हाय फ्रेंड्स, चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक फिर से कमबैक करेगा इंडिया में 24 जुलाई को कमबैक करेगा। हम इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया कि 59 चाइनीज ऐप बैन हो गया था इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है हम इसे कमबैक करेंगे टिकटॉक ऐप को। कितने लोग खुश भी होंगे, कितने लोग नाराज भी होंगे। जो टिकटॉक स्टार हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे टिकटॉक का भी बैन ना हो। टिकटॉक वापस आ रहा है। देखिए, जो टिकटॉक कमबैक इंडिया में बहुत जल्दी कमबैक कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रेडी है इसके। गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक है वो आ जाए यहाँ पे इंडिया में, कुछ ठीक है प्लेटफॉर्म पे आ जाए। गूगल चाहती भी है ये। देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चाइनीज सोशल, ये पहला टाइम नहीं था। एक बार और बैन हो चुका था, दूसरी बार बैन हुआ था उसे, और फिर ये आ जाएगा फिर से इंडिया में। प्ले स्टोर पर आ जाएगा, एप्पल स्टोर पर आ जाएगा, वहाँ से फिर से आप लोड कर सकते हैं। इंडिया में रिटर्न हो जाएगा अगर इफ एट ऑल, अगर सब चाहें तो, सब यही चाहते हैं भाई टिकटॉक वापस आ जाए इंडिया में वापस आ जाएगा। और यहाँ पर देखें क्या चाइनीज गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इंडिया में वापस आ जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आ जाए, चल ठीक है आने दो। निखिल गांधी हेड ऑफ टिकटॉक इंडिया रिस्पॉन्ड, वो बोल रहा था कि आनी चाहिए, ठीक है हम बात करेगा इंडिया में। इसके बारे में पढ़ा हमें, अच्छा लगा। अगर वीडियो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you.